आप सभी के सामने एक हम एक विशेष प्रकार से जंगली कंद को लेकर के आए हैं। यह कंद है, इसके अंदर में कांदा निकलता है। इसे हम बोलचाल के भाषा में, और इसका साइंटिफिक नाम भी है वन अदरक यानी जंगली अदरक। इसका उपयोग हमारे लोग पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, पेट विकार को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग सामान्यतः साग, मतलब सब्जी में, साग भाजी में भी इसका उपयोग से खाने के लिए करते हैं। चाय वगैरह भी पीते थे तो इसका करते हैं। लेकिन यह बहुतायत चूर्ण को, इसकी जो पानी को पिलाते हैं, उसमें दो तीन प्रकार के औषधि डालते थे। ओखत हो गया, कांके हो गया, और जंगली अदरक हो गया। इस टाइप के जो औषधि को हम को पिलाते हैं, जिससे उसका ब्लड साफ होता था, पेट की जो उसका जो पेट भी साफ होता था, गर्भ भी साफ होता है। इसलिए इसका उपयोग हम पेट के विकार के लिए, और दूसरी है हुई हुई है उस स्त्री को खून साफ करने के लिए, पेट साफ करने के लिए, गर्भ साफ करने के लिए इसका उपयोग हम कांके ओखत के साथ करते हैं। और सामान्य अगर किसी को पेट में कोई अपच है, विकार है, या फिर पेट के पाचन तंत्र में उसका कोई गड़बड़ी है, तो इसका उपयोग हम करते हैं। गुड़ के साथ आप इसके गोली बनाकर खा लीजिए, नहीं तो फिर कंद को पीस करके आप पानी में उबाल करके पी लीजिए। आपका जो पाचन तंत्र बकायदा स्ट्रांग हो जाएगा। तत्काल रीजन बताता है, 10 मिनट में ही आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। रीजन बताएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे। इस प्रकार से इस वन अदरक का उपयोग करते हैं। हम अपने मित्र से चाहेंगे कि वो इसको जमीन से निकाल करके दिखाएंगे कि इसमें, इस कंद को भी हम अभी आप लोगों के सामने में रखेंगे, दिखाएंगे। इसमें कंद निकलता है, अदरक ही जैसे रहता है। कंद जमीन से उखाड़ रहे हैं, इसमें छोटा सा कंद होगा, अभी तो उतना बड़ा नहीं हुआ होगा, शायद अभी इसमें कंद नहीं है, छोटा सा है इधर सा। ये देखिए इधर, ये छोटा सा है। ये इसका सुगंध भी पूरे अदरक की जैसा है। इसका वह जंगली अदरक है, वन अदरक है। इसका उपयोग को आपको बता दिया हूँ दोस्तों। इस प्रकार से इसमें कंद निकलता है। अभी ये छोटा सा बालक है, अभी इसका और विकास होना है, बाकी है अभी। तो इसका उपयोग हम, इसीलिए इसका उपयोग तो आपको बता दिए, इसका उपयोग करते हैं साथ दोस्तों। फिर हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में अगले एक नया जड़ी बूटी के साथ उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है, चुस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। सादर सेवा जोहार।